नमस्कार दोस्तों, खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी इंडस्ट्री को वो पहचान दिला दिया है जिसे आज तक कोई नहीं दिला पाया था। लगभग 250 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया रंग दे बसंती ने रिकॉर्ड बना दिया है। बसंती ने कई करोड़ की कमाई की है और लगभग लगभग 250 मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन थिएटर पर रिलीज किया गया है, जिसे तहलका मचाते हुए देखकर भोजपुरी इंडस्ट्री बेहद खुश है, क्योंकि आने वाले समय में भोजपुरी इंडस्ट्री एक सबसे बड़ा इंडस्ट्री बनकर निकलेगा। यूं तो कहे भोजपुरी की काफी आलोचना होती है गानों के लेकर, लेकिन जो फिल्म में गाने हैं उसे लेकर वाहवाही खेसारी लाल यादव की हो रही है। कई लोगों ने वाहवाही किया, कई जो भोजपुरी को आज तक नहीं देखा उसने भी वाहवाही कर रहा है कि नहीं, भोजपुरी अब बेहद अच्छी हो चुकी है। सिर्फ उसने कानों से सुना था लेकिन आज वह आंखों से देख रहा है। दरअसल अगर बात करिए तो वैसे वैसे जगह रिलीज किया गया है जहां भोजपुरी फिल्म आज तक लगी नहीं थी, उस जगहों पर खेसारी लाल यादव की रंग दे बसंती उसमें लगाई गई है। हीरोइन की बात करें तो काफी खूबसूरती से उस दृश्य को दिखाया गया है। जगह का लोकेशन की हम बात करें तो वो काफी खूबसूरत है। और दरअसल अगर बात करें तो चाइल्ड एक्टर में खेसारी लाल यादव का बेटा भी फौजी बन के निकलता है। फिलहाल आप पूरी फिल्म के कहानी को पहले समझिए, उसके बाद हम और बातचीत करेंगे। कहानी हम आपको बताते हैं। खेसारी लाल यादव, रति पांडे और डायना खान की भोजपुरी फिल्म रंग दे बसंती ने इतिहास रच डाला है। भोजपुरी सुपरस्टार की फिल्म आज पैन इंडिया रिलीज हुई है। रंग दे बसंती को देश भर में 250 से ज्यादा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। पैन इंडिया रिलीज भोजपुरी फिल्म रंग दे बसंती को हिंदी की तरह ओरिजिनल भाषा में रिलीज किया गया है। निर्माता की हम बात करें तो रोशन सिंह है, सह निर्माता में शर्मिला है और इस फिल्म को देश में बड़े स्तर पर रिलीज किया गया है और इतिहास भी रचा है। फिल्म को मल्टीप्लेक्स से लेकर सिंगल थिएटर तक रिलीज किया गया है और दर्शक भी खूब प्यार दे रहे हैं। बसंती कैसी लगी आपको? मुझे तो काफी अच्छी लगी, भोजपुरी फिल्म है। भोजपुरी फिल्म रंग दे बसंती का जलवा कुछ इस कदर है कि जहां भोजपुरी फिल्म थिएटर में नहीं लगती थी वहां भी इसे रिलीज किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दर्शक ने इसे वैसे जगह दिया है जो सर आंखों पर बैठा लिया है। अगर हम बात करें तो उड़ीसा में राजस्थान, हरियाणा, अहमदाबाद, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, चेन्नई और मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों में भी इस फिल्म को रिलीज की गई है, बल्कि इसे दर्शक शानदार शुरुआत भी दे रहे हैं। फिल्म ने साबित कर दिया है कि भाषा की सीमा से परे कहानी और जज्बा दर्शकों को काफी हमेशा आकर्षित करती है। फिल्म के डायरेक्टर प्रेमांशु सिंह कहते हैं, भोजपुरी फिल्म रंग दे बसंती की कहानी की तो यह देशभक्ति कहानी है और रंग दे बसंती फिल्म जो कि देशभक्ति पर आधारित है, इसमें एक्शन भी है और कॉमेडी भी है। फिल्म को रिलीज किया गया है और लोकेशन पर शूट किया गया है। रंग दे बसंती में खेसारी लाल यादव, रति पांडे, डायना खान के साथ अमित भट्टाचार्य, फिरोज खान, मास्टर ऋषभ यादव, राज प्रेमी, अमीर सवरकर, अमित तिवारी, चतुर्वेदी जैन और ज्योतिष कलश, रीना रानी। फिल्म में कहानीकार की बात करें तो मनोज कुशवाहा, संगीतकार की बात करें तो ओम झा, गीतकार की हम बात करें तो प्यारे लाल, अरविंद तिवारी, राकेश निराला, डॉक्टर कृष्ण शर्मा, सत्य सावरकर हैं, जो कि काफ़ी अच्छा इन लोगों ने गीत लिखी है और एक तरीके से कहें तो एक्शन कहें तो काफ़ी अच्छा दर्शाया गया है। आप देखोगे तो आर्मी से रिलेटेड यह फिल्म है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता दिखता है। अंत में मेरा नाम वजन लाल कुमार है और आप देसी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो एक बार फॉलो जरूर कर लीजिएगा पेज को। अगर शेयर भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल शेयर करें जी, जब एकदम शेयर करते जाइए और हमें सपोर्ट करिए। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।